Hello students, welcome back in my physiology class. So today we will study Ayurved ke anusar swas nishwas prakriya. It's a very important question that comes in the exam. Either it will come the sarangdhar ke anusar swas nishwas prakriya ka varnan kijiye or it may come explain the respiration according to classical point of view or Ayurvedic point of view. The question will come in 5 marks or 10 marks. There is a famous slok examiner will ask in the Bhayava. The slok says the slok is of Sarangdhar Samhita. The Sarangdhar Samhita Purvakhand. And what is the slok? The slok is Navista Pran Pavana Spristva Hit Kamlantaram Kanthad Bair Vinyati Patu Vishnu Pad Amritam Pitva Cha Ambar Piyusham Punar Ayati Vegata Priniyan Deham Akhilam Jivam जठर अनलम. दिस इज द श्लोक. द वर्ड इज द श्लोक. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. नाभिस्था प्राण पवना. आप एक काम करिए, या तो अपनी अपनी वॉइस में इस श्लोक को रिकॉर्ड करके अपने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए और उसके बाद हेडफोन पे दो चार बार सुनिए, श्लोक याद हो जाएगा. ठीक है? तो नाभिस्था प्राण पवना स्पृष्टवा हित कमलांतरम कंठात बहिर्विनियाति पातु विष्णु पद अमृतम पीत्वा च अंबर पीयूषम पुनर आयाति वेगता क्रीणियन देहम अखिलम जीवम च जठर अनलम. व्हाट इज द मीनिंग? द मीनिंग इज नाभिस्था. नाभिस्था मतलब नाभि में स्थित. नाभिस्था प्राण पवना मतलब नाभि में स्थित प्राणवायु. पवना मतलब वायु, तो नाभि में स्थित प्राणवायु. स्पृष्ट्वा हित कमलांतरम. स्पृष्ट्वा, स्पृष्ट्वा मतलब स्पर्श करती हुई. किसको? हित कमलांतरम. तो हित मतलब हृदय, कमलांतरम दो कमलों के बीच के मिडिल में रखा हुआ हृदय. तो दो कमल क्या है? लंग्स. तो नाभि में स्थित प्राणवायु, नाभि में स्थित प्राणवायु नाभिस्ता प्राण पवना स्पर्श करती है. स्पृष्टवा, स्पर्श करती है स्पृष्टवा किसको? हृदय को. और हृदय कहाँ रखा हुआ है? दो कमलों के अंतर. तो कमलांतरम, हित कमलांतरम नाभिस्ता प्राण पवना स्पृष्टवा हित कमलांतरम. ठीक है? कंठाद बहिर विनियाति, विनिर्याति, विनिर्याति मतलब बाहर आती है, एक्सपेल आउट होती है. किसके थ्रू? कंठ के थ्रू. कंठाद बहिर विनियाति मतलब कंठ मार्ग से बाहर आती है. पातु विष्णु पद अमृतम, क्या करने के लिए? ऐसा माना जाता है कि ऊपर आकाश में विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और विष्णु भगवान के पैरों को छूता हुआ जो अमृत है, जो वायु है, उस अमृत का पान करने के लिए. पातु विष्णु पद अमृतम, तो विष्णु भगवान के पैरों को छूता हुआ जो अमृत गिर रहा है, दैट इज द एयर. ऐसी एयर जिसके अंदर 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा गैसेस हो, तो ऐसी एयर को जिसको अमृत कहा गया है, उस अमृत का पान करने के लिए वो कंठ मार्ग से बाहर आती है. तो श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है नाभिस्था प्राण पवना मतलब नाभि में स्थित प्राणवायु स्पृष्ट्वा हित कमलांतरम स्पर्श करती हुई किसको? हृदय को, जो कहाँ रखा हुआ है? दो कमलों के बीच में. हित कमलांतरम कंठाद बहिर्विनियाति, कंठ मार्ग से बाहर आती है. कंठाद बहिर्विनियाति क्या करने के लिए? पातु विष्णु पद अमृतम, विष्णु भगवान के पैरों को छूता हुआ जो अमृत है उसको पान करने के लिए. ठीक है? थर्ड लाइन कहती है पीतवा च अंबर पीयूषम, पीतवा च अंबर पीयूषम पुनर आयाति वेगता. पीतवा उसको पी लेती है. किसको? अंबर पीयूषम, स्काई के अंदर जो पीयूष है, अमृत है उसको. तो पीतवा च अंबर पीयूषम पुनः दोबारा आयाति, निर्याति था, अब क्या है? आयाति. आयाति मतलब वापस, इंपोर्ट. तो आयाति वेगता, जिस वेग से वो गई थी उसी वेग से वो विष्णु भगवान के पैरों को छूता हुआ अमृत या पीयूष उसका पान करके उसी वेग से वापस आती है. तो श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है पीतवा च अंबर पीयूषम, पीतवा च अंबर पीयूषम पुनर आयाति वेगता. तो पीतवा च अंबर पीयूषम पी लेती है. किसको? अंबर में क्या है? पीयूष. फिर उसके बाद पुनः दोबारा, नियाति नहीं, आयाति उसी वेग से वेगता. तो पीतवा च अंबर पीयूषम पुनर आयाति वेगता. नेक्स्ट कहता है प्रीणियन देहम अखिलम, प्रीणियन देहम अखिलम जीवम च जठर अनलम. प्रीणियन देहम अखिलम,
जीवम च जठरानलम, तो प्रीणन देहम अखिलम, तो जितने भी देवान पुरुष हैं उनकी देह का नरिश करती है, उनकी देह को प्रीणन करती है, तो प्रीणयन देहम अखिलम। नेक्स्ट लाइन, जीवम च जठर अनलम। तो आजकल जैसे कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं, तो एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन जीवम च जठर अनलम। जीवम च जठर अनलम, तो जीवम जठर अनलम मतलब जीवम जो लिविंग बींग्स है उनकी जठर अग्नि को प्रदीप्त करती है। तो दिस इज अ डाउटफुल कि हाउ कि जो प्राणवायु है वो जठर अग्नि को कैसे प्रदीप्त करेगी, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा। तो क्लासिक्स में जो भी कुछ दिया हुआ है वो सब कुछ साइंटिफिक है। कैसे, जो एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शंस आपकी बॉडी में होती हैं, तो एरोबिक रिएक्शन जो सेल लेवल पे हो रही है वो एरोबिक रिएक्शंस के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। प्रोवाइडेड जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक एरोबिक रिएक्शंस होंगी नहीं, और एरोबिक रिएक्शंस नहीं होंगी तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लिबरेट नहीं होगी। तो जो सेल लेवल पे होने वाली जो एरोबिक रिएक्शंस हैं उनके लिए प्राणवायु के इस रेस्पिरेशन कर्म का होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज जितनी भी सेल के अंदर एरोबिक रिएक्शंस हैं वो सारी स्टॉप हो जाएंगी और ऑक्सीजन मिलना और एनर्जी मिलना बॉडी को स्टॉप हो जाएगी। तो जीवम च जठर अनलम, तो जीवम जठर मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी अग्नि को प्रदीप करती। जैसा कि मैंने अग्नि के टॉपिक में बताया था कि अग्नि मीन्स वॉट, आपके सेल लेवल पे होने वाली जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम अग्नि कहते हैं। तो आपके सेल लेवल पे जितनी भी एरोबिक रिएक्शंस हो रही हैं उन एरोबिक रिएक्शंस के सुचारू रूप से संपादित होने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, इस प्राणवायु की श्वास निश्वास प्रक्रिया के थ्रू। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपाई टेलिंग यू इन शॉर्ट, द श्लोक इज व्हाट, द श्लोक इज नाभिस्थ प्राण पवना स्पृष्ट्वा हि कमलांतरम कंठाद बहिर्विनियाति पातु विष्णु पद अमृतम पीत्वा च अम्बर पीयूषम पुनरायति वेगता प्रीणियन देहम अखिलम जीवम च जठर अनिलम। इसका मतलब नाभि में स्थित प्राणवायु स्पृष्ट्वा, स्पृष्ट मतलब टच करती हुई, किसको, हृदय को। हृदय कहाँ रखा हुआ है, दो कमलों के बीच में। कहाँ से निकलती है, कंठ से। आती मतलब निर्याती, कहाँ, अंदर की बाहर, बहिर। तो कंठात बाहर निर्याती, कंठात बहिर निर्याती, क्या करने के लिए, पातु ग्रहण करने के लिए, किसका, विष्णु के पैरों को छूता हुआ अमृत। पातु विष्णु पद अमृतम, क्या कर लेती है, उसको पी लेती है। कहाँ पे रखा हुआ है, अंबर में। क्या रखा हुआ है, पीयूष। तो पीतवा च अंबर पीयूषम, उसके बाद दोबारा पुनर वापस चली जाती है, आयाती उसी वेग से, वेगता। प्रीणियन देहम अखिलम, इस प्रकार जो देहवान पुरुष हैं उनकी जो लाइफ है उनकी जो बॉडी है उसको नरिश करती है, उनकी बॉडी को पोषित करती है। प्रीणियन देहम अखिलम जीवम च जठर अनलम, और जो मनुष्यों की जो जठर अग्नि है उसको प्रदीप्त करती है। तो हाउ इज पॉसिबल, तो हम इसको बोल सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर सेल लेवल के अंदर जितनी भी एरोबिक रिएक्शंस हो रही हैं उनको करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती होती है, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, रेस्पिरेशन के थ्रू। तो रेस्पिरेशन कैसे अग्नि को प्रदीप्त कर रहा है, दैट वाज द कंसेप्ट, वो एरोबिक रिएक्शंस का अभी नहीं है, वो एरोबिक रिएक्शन का कंसेप्ट पहले भी था। और ये जो कंसेप्ट है कि अग्नि क्या है, अग्नि का मतलब सिर्फ हम यहाँ तक नहीं है कि डाइजेशन में जो हेल्प कर रही है, तो जठरानलम तो मतलब इसका मतलब अग्नि का मतलब आपके सेल लेवल पे आपकी बॉडी के अंगति व्यापनोति थी अग्नि, मतलब आपके सेल लेवल पे जो होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस सेल लेवल पे होती हैं दैट इज अग्नि। तो अग्नि अलग तरीके की, तीन तरीके की होती है, तीनों तरह की अग्नि डाइजेशन में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। कैसे, जब मैं किसी दिन अग्नि पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, श्लोक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस श्लोक को याद कर लीजिए। श्लोक में कुछ नहीं है, एक बार बस ध्यान से सुनना है, नाभि में स्थित प्राणवायु स्पर्श करती हुई किसको, हृदय को। कहाँ रखा हुआ है, कमलों के बीच में। उसके बाद क्या करती है, कंठात कंठमार्ग से बाहर आती है, तो कंठात बाहर बही आती है, विनिर्याती क्या करने के लिए, पातु करने के लिए, ग्रहण करने के लिए किसको, विष्णु के पद को छूता हुआ अमृतम। पी लेती है पीतवा, कहाँ पे, अंबर में। क्या रखा है, पीयूषम, तो पीतवा च अंबर पीयूषम। उसके बाद पुनः दोबारा, अभी निर्याती हो रहा था अब आयाती, पुनर आयाती वेगता।
प्रीडियन देहम अखिलम, जितने भी देहवान पुरुष हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनकी देह को नरिश कर रही है, उनकी देह को पोषित कर रही है। जीवम च जठर अनलम, और इस प्रकार जो मनुष्यों की जाठराग्नि है उसको प्रदीप्त करती है। तो जाठराग्नि को प्रदीप्त करती है, दिस इज द कंसेप्ट कि हम बोल सकते हैं कि जो एरोबिक रिएक्शंस है वो सुचारू रूप से तभी होती है जब ऑक्सीजन मिलेगी, अदरवाइज एरोबिक रिएक्शंस होंगी नहीं, ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगी, बॉडी की मेटाबॉलिज्म होमियोस्टेसिस जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस टू अकर्स इन द सेलुलर लेवल। दूसरा पॉइंट कि जो इसमें ये बोला गया है कि विष्णु पद अमृतम, तो हम जो ऑक्सीजन एयर ले रहे हैं, इट डजेंट मीन कि उस एयर के अंदर 100% ऑक्सीजन होगी, 100% ऑक्सीजन होगी तो आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो उस जो प्योर एयर जो विष्णु पद अमृत बोला गया है वो एटमोस्फेरिक एयर को बोला है, जिसमें 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और रिमेनिंग कुछ चीजें ऑर्गन नियोन वगैरह कुछ परसेंट है। तो कोई बोले कि ऑक्सीजन अगर 100% इन्वॉल्वमेंट में हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी है, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है, दैट इज डेंजरस, उससे आपकी तुरंत डेथ हो जाएगी। तो विष्णु पद अमृत का मतलब इन्वायरमेंटल एयर्स है, और जीवम जठरानल का मतलब है बॉडी के अंदर जितनी भी एरोबिक रिएक्शंस हो रही है उसको सुचारू रूप से संपादित होना। ओके, थैंक यू।